तो हम यहाँ स्वीट पोटैटो बनाने के लिए चिप्स हमने यहाँ पे ये ले लिए हैं ककंदी। अब हम एक छिलनी लेते हैं और छिलनी से इसको हम पहले छिलका को छील करके हटा देते हैं। तो हमने यहाँ इसको छील करके और दोनों बगल देखिए हमने काट लिया है धो करके। अब हम यहाँ पे एक ले लेते हैं चिप्स कटर और चिप्स कटर की सहायता से हम इसको चिप्स कटर में इसको हम काट लेते हैं। तो हमें चिप्स कटर की सहायता से इसको काट लेना है। बंद कर लो। तो देखिए हमने इसको स्लाइस में काट लिया है और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक पानी ले लेते हैं और पानी में हम इसको डाल देंगे, नहीं तो ये काला पड़ने लगेगा। तो हम पानी में इसको डाल देते हैं। तो हम यहाँ पे देखिए इसको धो लेते हैं एक दो पानी से, अच्छी तरह से हम धो करके इसको साफ कर लेते हैं। बंद कर दें। तो हमने यहाँ देखिए पानी इसका छान लिया और छान करके अच्छी तरह से इसको पानी से निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे एक टॉवेल लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टॉवेल ले लिया है। तो आप चाहें तो कोई भी एक सूती कपड़ा ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक टॉवेल ले ली हूँ और इसको अच्छी तरह से बिछा देती हूँ और सूखा टॉवेल है। और उसके बाद हम एक एक पीस ऐसे ऐसे करके और इसमें फैला देते हैं। तो हमें यहाँ एक एक पीस इस तरह से आपको फैला देना है। तो हम एक थाली में इसको निकाल लिए हैं कपड़े से ऊपर उठा। ऑयल हमारी गर्म हो गई है। आप ऑयल के जगह घी में भी, अगर फास्ट के लिए बना रहे हैं तो घी में छानिए। और इसके बाद हम यहाँ पे देखिए तो इस तरह से डाल देंगे। गर्म ऑयल में हमें डालना है। तो इस तरह से हम सारे चिप्स को इसमें जितना आ सके आप उतने चिप्स को इसमें डालिए। तो देखिए इस तरह से ये दोनों तरफ से लाल हो जाएगी और आपको निकाल लेना है। तो हमने दोनों तरफ से इसको फ्राई कर लिया और एक प्लेट में इसको हम निकाल लेते हैं छान कर। तो देखिए ये चिप्स बन करके तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी और खास्ती बनी है। अगर आप इसको फास्ट में खाएं तो इसमें नमक वगैरह नहीं मिला है और फास्ट में इसको खा लीजिए। इसी तरह से इसको फास्ट में भी आप खा सकते हैं। बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी बनी है। और अगर आप ऐसे खाएं तो ऐसे भी, तो इसमें हम काला नमक है तो ये काला नमक हम डाल देते हैं। तो हम फास्ट में नहीं खा रहे हैं तो हमने यहाँ पे काला नमक इसमें डाल दिया है। उसके बाद हम यहाँ चाट मसाला डाल देते हैं। नमक टेस्ट के अनुसार डालिए और चाट मसाला फिर हम यहाँ छोटी चम्मच। उसके बाद हम यहाँ पे डाल देते हैं ये लाल मिर्च पाउडर। तो हमने यहाँ पे इसको लाल मिर्च पाउडर को भी इसमें डाल दिया है। और इन सब चीज़ डाल कर हम इसको अच्छी तरह से फिर मिक्स कर लेते हैं। ऊपर नीचे मिक्स कर देते हैं।